नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नई दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री से मंत्री गणेश जोशी ने की मुलाकात, शिष्टाचार भेंट कर जाना कुशलते। मंत्री मुरली मनोहर जोशी को रामचरितमानस पुस्तक की भेंट। मसूरी में एसडीएम दीपक सैनी ने की बैठक, संबंधित विभागों की तैयारियों को लेकर की चर्चा। मालोड स्थित रोपवे पर किया जाएगा मॉक ड्रिल। मसूरी में रोजगार सृजन को लेकर सम्मेलन आयोजित, रोजगार सृजन प्रवक्ताओं ने साझे किया विचार। वनों में चित्र बनाने की अपार संभावनाओं पर चर्चा। मसूरी में अधिकारियों ने रिसपना नदी के उद्गम क्षेत्र का किया निरीक्षण, अधिकारियों ने मौसी फॉल जाकर व्यवस्थाओं को ले जाकर क्षेत्र के तीव्र बहने की। एसटीएफ ने दो वन्य जीव तस्करों को दबोचा, भालू के पिट की थैली हुई ग्राम, 460 ग्राम वजन के साथ लाखों की। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी दौरे के दौरान समीक्षा बैठक उन्होंने की है। ये बड़ी खबर नई दिल्ली से, उत्तराखंड सदन में सीएम धामी की चारधाम यात्रा को लेकर वर्चुअल बैठक हुई है। वर्चुअल बैठक में चारधाम यात्रा को लेकर धामी के कड़े तेवर देखने को मिले हैं। लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, एक साफ कहना है सीएम धामी का। भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान, एसीएस आनंद वर्धन की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी का गठन। यात्रा के सुगम संचालन के लिए अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का करें निर्वहन। यात्रा के बेहतर संचालन के लिए धरातल पर जाकर ग्राउंड जीरो पर रहे शासन और पुलिस के उच्च अधिकारी। धामों में बिना पंजीकरण के श्रद्धालुओं के पहुंचने पर अधिकारियों की होगी जवाबदेही। धामों में भगवान के दर्शनों के लिए वरिष्ठ नागरिकों को दे प्राथमिकता। यात्रा में आगामी मानसून को लेकर सभी तैयारियां करें पूरी। मानसून के दौरान यात्रा में होने वाली परेशानियों को करें खत्म। आवश्यकता अनुसार पुलिस बल की करें तैनाती। हमारा प्रयास, यात्रा के दौरान हर श्रद्धालुओं को मिले बेहतर सुविधा। उत्तराखंड सरकार का भी और उत्तराखंड के लोगों का भी ये पूरा प्रयास है कि यात्रा सुचारू रूप से अच्छी चले, आने वाले हर एक तीर्थयात्री को अच्छी सुविधा मिले, अच्छे उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े। और जो भी हमारे इंतजाम हैं, बहुत सारे तीर्थयात्री अभी आ चुके हैं लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हैं, उनके बारे में भी हम लोग ये विचार कर रहे हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कैसे प्राथमिकता दें। और हमने अन्य राज्यों से भी संपर्क किया है कि अभी चूंकि केवल और केवल अत्यधिक संख्या तीर्थयात्रियों की और श्रद्धालुओं की हो जाने के कारण से जो रजिस्ट्रेशन वाले लोग हैं केवल उन्हीं की यात्रा हो सकती है, इसलिए बिना रजिस्ट्रेशन के लोग अभी ना आएँ, रजिस्ट्रेशन करवाएँ। सारी जानकारियाँ सब चीज़ें हम विज्ञापन के माध्यम से भी दे रहे हैं और अखबारों के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से लगातार अनुरोध कर रहे हैं। वैसे अभी यात्रा सुचारू है, अच्छी चल रही है, आज भी अच्छे दर्शन हो रहे हैं और हमारा प्रयास है कि दिन ब दिन और बेहतर यात्रा हो। इसलिए ये कह रहे हैं हम क्योंकि सभी चाहते हैं चार धामों के दर्शन करना, लेकिन चार धामों की भी अपनी एक बियरिंग कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी से ज़्यादा होने पर अव्यवस्था होती है, लोगों को परेशानी होती है। इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है और ये व्यवस्था एक यात्रा की बनाई हुई व्यवस्था है। ये व्यवस्था ठीक प्रकार से व्यवस्थित हो, इसमें सबका सहयोग भी जरूरी है कि सभी लोग जो यात्रा के नियम बनाए गए हैं उन नियमों का जरूर पालन। उत्तराखंड के कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट कर उनका कुशलक्षेम जाना और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को श्री रामचरितमानस की पुस्तक भी भेंट की। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बीच कई समसामयिक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। प्राकृतिक और मानव जनित आपदा से निपटने के लिए और संबंधित विभागों की तैयारियों को परखने के लिए मसूरी के एसडीएम दीपक सैनी ने बैठक की, जिसमें मॉक ड्रिल करने का निर्णय लिया गया ताकि तैयारियों की समीक्षा की जा सके। बैठक में तय किया गया कि मालरोड स्थित रोपवे पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। एसडीएम दीपक सैनी ने बताया कि मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर, होमगार्ड, वन विभाग,
नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग, जल संस्थान, विद्युत विभाग आदि सभी संबंधित विभाग शामिल होंगे। इस मौके पर सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि सभी अपने उपकरण लेकर आए और स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी तैयारी करे और पुलिस विभाग यातायात बाधित ना हो इसका प्रबंध करे, जिससे किसी भी तरह की परेशानी ना हो। वहीं इस मॉक ड्रिल के जरिए रोपवे के सुरक्षा प्रबंधों को भी परखा जाएगा। जो हमारी गनहिल की जो रोपवे है, झूलागढ़ से रोपवे जो चलती है, उसमें अगर किसी किस्म की रुकावट आ जाती है, कोई खराबी आ जाती है, जिसके कारण अगर कोई यात्री स्टक हो जाता है, तो ऐसे सिनेरियो को जो है हम रिहर्स करने के लिए मॉक ड्रिल कर रहे हैं। उसमें तमाम जो एजेंसीज हैं हमारी, SDRF है, NDRF है, ITBP है, फायर डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, जल संस्थान, जल निगम, PWD, सभी जो एजेंसीज हैं वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगी इन सब चीज़ों को, उसको रिहर्स किया जाएगा। तो उसी के लिए आज यहाँ टेबल टॉप एक्सरसाइज अभी इसकी चल रही थी, और जो कल सुबह जो है 6:30 बजे से जो है हम ड्रिल प्लान करेंगे, क्योंकि यात्री सीजन है, पीक पर है, टाइम ट्रैफिक बहुत है, तो उसको ध्यान रखते हुए जो है, ताकि उसमें भी कोई किसी किस्म का ध्यान उपलब्ध ना आए उसमें, तो इस चक्कर में हम लोग उसको जल्दी करेंगे प्लान। सुबह 6:30 बजे प्रारंभ होगी, और मेरे सभी से अनुरोध रहेगा कि ड्रिल के समय जो है आसपास के क्षेत्र को जो लोग हैं वहाँ पर अत्यधिक भीड़ ना इकट्ठी हो। लाइब्रेरी स्थित हिम सुरभि अरोमा म्यूजियम में आयोजित पारंपरिक भारतीय इत्र में अरंडी की सुगंध को आगे बढ़ाने को लेकर एक स्थायी तरीके पर आयोजित सम्मेलन में वक्ताओं ने वनों के पौधों से इत्र बनाने और इससे रोजगार सृजन कर अपने विचार व्यक्त किए हैं। सम्मेलन में FRI के वैज्ञानिक और CBPD के अध्यक्ष डॉक्टर VK वार्ष्णेय ने कहा कि उत्तराखंड के वनों में इत्र बनाने की अपार संभावना है। यहाँ पर बहुत सारे हर्ब्स, स्पाइस, सुगंधित हुड्स हैं जिससे इत्र बनाना जा सकता है। इस मौके पर कन्नौज से आए धीरेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि उत्तराखंड में इत्र बनाने की बहुत संभावना है। यहाँ पर अनेक प्रकार के सुगंधित पेड़ पौधे हैं। उन्होंने बताया कि वो खुद देवदार, जंगली गुलाब, कपूर की बत्ती से इत्र बनाकर दिखा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस ओर लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इस मौके पर ज्योति मारवा ने कहा कि इस दिशा में 5 साल से कार्य कर रहे हैं, जिसे हिम सुरभि अरोमा म्यूजियम के माध्यम से शोकेस किया गया है। वनों से जो हमें अरोमा मिलती है, इसको सभी हल्के में लेते हैं और इसे अनदेखा कर देते हैं, जबकि जंगलों से असीम सुगंधित पौधे मिलते हैं। ये हमारा मकसद है, जो हमने 5 साल में इतना काम किया है मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स में, इसको हमने शोकेस किया है एक म्यूजियम में। उस म्यूजियम का नाम है हिम सुरभि अरोमा म्यूजियम। एक चीज़ जो हमने सोची है कि हमको फॉरेस्ट से जो मिलता है, जो अरोमाज मिलते हैं, जो फ्रेग्रेंस मिलता है, जो फ्लेवर्स मिलते हैं, उसको हमेशा हम लोग अंडरमाइन करते हैं और फॉरेस्ट की हमेशा निग्लेक्ट रहती है। तो हमने ये सब कंबाइन करके ये थॉट प्रोसेस रखा कि जो हमको जंगलों से मिलता है, जो असीम तरह की चीज़ें मिलती हैं, कि हर सीज़न के चेंज में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, उसको अगर हम लोगों तक पहुँचा सकें। सबसे जानता हूँ हमारे उत्तराखंड में अतर बनाने की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर हम बहुत सारी हर्ब्स हैं, बहुत सारे स्पाइसेस हैं, बहुत सारी हमारी वुड हैं सुगंधित, उन सबको यूज़ करके हम इत्र बना सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, चेमोमाइल है, रोमन चेमोमाइल है, वेटिवर है, रोजमेरी है, और हमारा सीडरवुड है, और रोज़ है हमारा, डमस रोज़ है, जो कि उग रहा है यहाँ पर, क्लस्टर में उग रहा है, तो उसको हम जो है इसे इत्र, देवदार है, तो उससे हम इत्र बना सकते हैं। और इससे इत्र का बनाना में दो एस्पेक्ट होते हैं। अब आपको सीधा हरिद्वार के हर के पौड़ी लिए चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। Thank you.
तो वहीं रिसपना नदी के उद्गम क्षेत्र का आज उत्तराखंड जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने मौसी फॉल जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बताते चले कि रिसपना नदी के उद्गम क्षेत्र में प्राकृतिक जल स्रोत का पानी निकलता है और विगत दिनों रिसपना नदी के उद्गम क्षेत्र में सीवर बहने की शिकायतों के बाद उच्च अधिकारियों ने इस क्षेत्र की जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है, जिसके बाद आज अधिकारियों ने यहां का निरीक्षण किया। इसके साथ ही आसपास के स्कूल और होटल में जाकर एसटीपी और सीवर लाइनों की जांच की गई है। इस मौके पर जल संस्थान के सहायक अभियंता त्रिपन सिंह रावत ने बताया कि यदि किसी भी प्रतिष्ठान से खुले में किचन वेस्ट सीवर में डाला गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि खुले में सीवर बहाने के चलते कई होटलों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद सीवर और पानी का कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर उत्तराखंड जल संस्थान के अधिशासी अभियंता अमित कुमार ने बताया कि जल संस्थान ने कई होटलों और रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया और अगर सीवर लाइन में होटल का कचरा डाला गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपके निर्देश पे नगर पालिका परिषद मसूरी और जल संस्थान जल निगम की संयुक्त टीम ने आज इसका मौसी फॉल के कैचमेंट एरिया का निरीक्षण किया। तो हमें बायोमीथेन प्लांट भी हमने देखा, वहाँ पर भी ऐसा कोई कमी हमें नज़र नहीं आई। जल निगम द्वारा जो संचालित एसटीपी है उसको भी हमने देखा, उसका ट्रीटेड वाटर भी देखा। और इसके अलावा इसके मौसी फॉल के कैचमेंट में एरिया में जो भी होटल रेस्टोरेंट इत्यादि पड़ते हैं उनका भी हमने सेफ्टी टैंक इत्यादि इनका निरीक्षण किया। इसमें हम लोग लगातार अपना टीम से जांच कराते रहेंगे और जो भी इसमें कल्प्रिट पाया जाएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही विधिक और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अर्थात जल निगम हमारे साथ था और नगर पालिका परिषद मसूरी से ईओ साहब भी साथ। सीवर पहले बह क्यों रही ये समझ लीजिए, सीवर बह इसलिए रहा है क्योंकि लोग किचन वेस्ट होटल वाले किचन वेस्ट डाल रहे हैं सीवर में। तो इस पर हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है हम जल संस्थान मसूरी द्वारा कि जितने भी सीवर पहले तो होटल वाइज मतलब हर होटल जाया गया और जाकर चेक किया गया कि कौन से होटल वाले किचन में वो मतलब किचन में जाली लगा रखे हैं नहीं लगा रखे हैं। तो जो लोग नहीं लगा रखे हैं उन लोगों को नोटिस दे दी गई है कि आप 3 दिन के अंदर लगा लें और 3 दिन पूरा हो चुका है। उसके बाद 1 हफ्ता मांगे गए थे एसडीएम के द्वारा, वो भी पूरा हो चुका है। अब वर्तमान में हम सोचे हैं कि जिन लोग कनेक्शन नहीं लिया है पहले उन लोगों का कनेक्शन काटेंगे और फिर उसके बाद जिन्होंने जाली नहीं लगाया है उनका कनेक्शन कटेगा। एसटीएफ ने 2 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 4 भालुओं की पित की थैली बरामद हुई है, जिनका वजन 460 ग्राम बताया गया, जिनके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपये आंकी गई है। मामले का खुलासा एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने किया। एसएसपी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर चमोली पुलिस और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलकर थराली क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 संदिग्धों को टीम ने चेकिंग के लिए रोका। तलाशी लेने पर संदिग्धों के कब्जे से 4 भालू की पित की थैली बरामद हुई है। पूछताछ करने पर आरोपियों की पहचान बलवंत सिंह और मेहरबान सिंह निवासी थराली जिला चमोली के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे कई वर्षों से वन्य जीवों को मारकर उनके अंगों की तस्करी करने का काम कर रहे हैं। ये जो पित की थैली बरामद हुई है ये भी उन्होंने भालुओं का शिकार करने के बाद निकाली है। एसएसपी ने बताया कि पुलिस के साथ मिलकर मामले में अग्रिम जांच शुरू कर दी गई। असम के गुवाहाटी से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए युवक को पुलिस ने ऋषिकेश में खोज निकाला है। पुलिस ने युवक की मानसिक स्थिति को ठीक नहीं पाया इसलिए उसे सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। एसपी देहात लोकजीत सिंह ने बताया कि उनको असम गुवाहाटी से एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने बताया कि उनका छोटा भाई पिछले 1 महीने से लापता है, जिसके गुमशुदगी थाने में दर्ज है और उसकी तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं। पता चला है कि उसके छोटे भाई को ऋषिकेश में कहीं देखा गया है, जिसे तलाश करने में मदद की जाएगी। सूचना के आधार पर अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को फोटो के साथ क्षेत्र में युवक की तलाश के लिए भेजा गया। कुछ ही देर में पता चला कि युवक अर्धनग अवस्था में देहरादून रोड पर बरामद कर लिया गया है। एसपी देहात ने बताया कि कॉलर को भाई से मिलने की सूचना दी गई है। फिलहाल मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से युवक को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है।
और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको ले चलते हैं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। जया के माता।
जो दूर को ध्यान।